इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को पाकिस्तान से इंटरनेट कॉल के माध्यम से 80,000 रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला से उसके बेटे के गैंग रेप में शामिल होने की बात कहकर फिरौती की मांग की गई है, जिसमें महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसका बेटा काम के चलते घर के बाहर गया है, जो 2 दिन से नहीं लौटा है। वहीं उसके बेटे के संबंध में उसके पास पाकिस्तान के एक नंबर से इंटरनेट कॉल आता है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने उसके बेटे के गैंग रेप में शामिल होने की बात कहते हुए महिला से 80,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद महिला की शिकायत पर चंदननगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बेटे की तलाश शुरू की, तो वह देवास में काम करता हुआ मिला, जिसे पूछताछ की गई तो उसने इस तरह के कॉल के आने के संबंध में कोई भी जानकारी ना होना बताया। वही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदननगर में एक घटना हुई है, जिसमें कि एक फरियादी है, जो कि एक अपहृत व्यक्ति है जिसकी माँ थी, उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि 13 तारीख को निखिल तिवारी घर से गया था। उसके बाद 14 को उसका मोबाइल बंद था, 15 को एक बार कॉल आया, फिर 16 को बंद था, 16 को मॉर्निंग में एक कॉल आया था जिसमें ये बताया गया कि तुम्हारे बच्चे के द्वारा अपराध किया गया है और हमें लड़कों के साथ मिलकर अपराध किया गया है, आपके खिलाफ अगर आप बचाना चाहते हो इसको तो 80,000 रुपये इस अकाउंट में डाल दो। तो घबरा कर तत्काल वो थाने पहुंची, क्योंकि उसका मोबाइल बंद था, थाने पहुंचकर उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। इसमें IP सेक्शन 365 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो अपराध व्यक्ति था उसकी लोकेशन निखिल तिवारी की देवास आई, वहाँ पर टीम भेजी गई और व्यक्ति वहाँ मिल गया, उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया था 13 को, इसके बाद मैंने मोबाइल बंद कर लिया था और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी फिरौती किसी से नहीं मंगवाई गई है। तो इस पर से ये बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मामला है, इसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा ये घटना घटित की गई है। इसमें साइबर फ्रॉड का ये माध्यम है, आजकल ये चल रहा है कि आपके पास एक आर्टिफिशियल AI के माध्यम से वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस चेंजर होता है, जिसके माध्यम से आपको हूबहू उसी व्यक्ति की आवाज़ लगती है जिसकी बताई जाती है और व्यक्ति चकमा खा जाता है और उसके बातों में आकर पैसा अकाउंट में डाल देता है। इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही है, इस तरह की क्राइम ब्रांच में भी शिकायत आई है, इसमें भी क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, फिलहाल उसमें केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है।